नाजरीन फैसल चौधरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। वो आज के अजबकिस्तान के शहर बुखारा में साल 980 में पैदा हुए थे। इब्ने सीना फारस के शहरी थे जिन्होंने एक बेहतरीन फलसफे की हैसियत से अरस्तू को भी पीछे छोड़ दिया था। मुसलमान स्कॉलर्स में आज भी वो अपना एक अलग दर्जा रखते हैं। इस्लाम के सुनहरे दौर में लगभग 500 वर्ष का अरसा मशरक वस्ता में अहम सियासी और सकाफती तब्दीलियों का बायस बना। 12वीं सदी के दौरान मगरबी यूरोप ने कदीम यूनानी फलसफे का असर नो मुतालिया किया। मुहक्किकीन ने अरस्तू को मुतनाजा बुतपरस्त से एक काबिले एहतराम फलसफी तस्लीम किया। इस अमल में मगरबी मुहक्किकीन तर्जमा करने की इस तहरीक से मुस्तफीद हुए। इसमें अरबी में लिखी गई तहरीर का लतीनी जुबान में तर्जमा किया गया। ये अमल 11वीं सदी के आखिर में शुरू हुआ था। अरब फलसफियों ने अरस्तू पर मुतालिया किया था और यही मुतालिया लतीनी तहसीब के काम आया, और इसके बाद फिर लतीनी मुहक्किकीन ने बराए रास्त यूनानी जुबान से अरस्तू के काम को समझने की कोशिश शुरू की। इब्ने सीना वो अहम अरब फलसफी थे जिन्होंने लतीनी मुहक्किकीन को खूब मुतासिर किया। लतीनी तहजीब की जानिब से अरस्तू को समझने के अमल में इब्ने सीना हर वक्त अपनी किताबों के जरिए वहां मौजूद रहे, खासकर अरस्तू की मेटाफिजिक्स के दौरान। 12वीं सदी में अरस्तू की मेटाफिजिक्स के मुताला के दौरान हमेशा इब्ने सीना की मेटाफिजिक्स का मुताला किया जाता था। 1250 ईस्वी के बाद इसकी कदर कम हो गई, लेकिन इसके बावजूद अगले कई बरसों तक अरस्तू के फलसफे को समझने के लिए इब्ने सीना का हवाला दिया जाता रहा। इब्ने सीना की एक तहरीर में खुदा और इसके बंदे के बीच फासले को समझने की कोशिश की गई थी। फिर यही तहकीक अतालवी फलसफी सेनेट थॉम्स एक्वाइंस के मजहबी फलसफे का हिस्सा बनी। ये फलसफा कदीम मसीह मजहब की बड़ी कामयाबियों में से एक था। अरस्तू के यूरोपी मुताले में इब्ने सीना का बार बार जिक्र आता है। अरबी में इनका नाम अबू अली इब्ने सीना है। वो अजीम फलसफी और मारूफ मौलिज थे। वो अपने वक्त में अरबी में किताबें लिखते थे। वो आज के सेंट्रल एशिया में 980 ईस्वी में बुखारा शहर में पैदा हुए। उन्होंने सेंट्रल एशिया और सल्तनत फारस में काफी सफर किया। वो बिल आखिर आज के ईरान के शहर अस्फहान में मुकीम हो गए। सन 1037 में इनका इंतकाल हुआ। अपनी मौत के वक्त भी वो घर से काफी दूर थे। 10वीं सदी के दौरान सेंट्रल एशिया में फारस का शहरी जो अरबी बोलना जानता था यूनानी फलसफे तक कैसे पहुंचा, इसका जवाब भी तर्जमा करके इल्म हासिल करने की एक तहरीक में छुपा है जिसकी इब्तदा 8वीं सदी में हुई थी। इस तहरीक का मकसद किताबों को यूनानी जुबान से अरबी में तर्जमा करना था। ये 12वीं सदी में अरबी से लतीनी जुबान में तर्जमा करने की तहरीक से भी बड़ी लहर थी। अब्बास सल्तनत की इस तहरीक की बुनियाद दारुल हुकूमत बगदाद था जो इसी दौरान नया तामीर हुआ था। यहाँ कदीम यूनानी तहजीब की साइंस और फलसफे की तहकीक का जायजा लिया जाता था। इस तहरीक की आमद और इब्ने सीना की अजीम फलसफी बनने में कोई 2 सदियों का फासला है। इनसे पहले भी कई नामवर अरब फलसफी गुजरे जिनमें अल फाराबी एक बड़ा नाम है जो इब्ने सीना की पैदाइश के 30 साल कबल 950 ईस्वी में इंतकाल कर गए थे। इब्ने सीना के लिए अल फाराबी बहुत काबिले एहतराम थे। वो इन्हें अपना दूसरा उस्ताद मानते थे, यानी अरस्तू पहला उस्ताद और अल फाराबी दूसरा। बगदाद में अक्सर फलसफी अरस्तू की तहरीर से जुड़े रहते थे। साथ अल फाराबी जैसे फलसफी अपना जाती काम भी जारी रखते थे, लेकिन 10वीं सदी का असल मकसद अरबी में अरस्तू के काम का तर्जमा करना और इसका जायजा लेना था। इब्ने सीना ने यह सब कुछ बदल कर रख दिया। अपने इंतकाल तक उन्होंने एक अजीम फलसफी बनकर अरस्तू को भी पीछे छोड़ दिया था। ये बात कम अज कम मुसलमान फलसफियों की हद तक दुरुस्त साबित हुई। इब्ने सीना की जिंदगी के 57 वर्ष इस इस्लामी दौर का हिस्सा हैं जो इन सदियों के बाद शुरू हुए कि जब अरब फौजें फारस के इलाकों को फतह कर चुकी थी, और इसके बाद फारस के शहरियों ने इस्लामी तहजीब में बड़ी सकाफती पेशरफ की थी। इब्ने सीना खुद फारस के शहरी थे, लेकिन उन्होंने अपनी 2 अहम तहरीर अरबी जुबान में लिखी। इस दौर के आगाज में साल 950 के आसपास फारसियों ने अरबियों से तहजीबी सरबराही ले ली थी, लेकिन फिर इब्ने सीना के आखिरी बरसों में यह सरबराही तुर्कों को मिल गई। इब्ने सीना सफर करते रहते थे। एक शहर से दूसरे शहर जाना इनका मामूल था क्योंकि वो करीब आई तुर्क फौज से बचना चाहते थे। अपनी जिंदगी में वो फारस सल्तनत में
कहीं न कहीं पनाह ढूंढते रहते थे। उन्होंने महज 20 वर्ष की उम्र में अपना घर बार छोड़ा और बुखारा से शिमाल की जानिब चल पड़े और गरगान जा पहुंचे। उन्होंने आज के ईरानी शहरों हमदान और तहरान में भी वक्त गुजारा और आखिर में वो अस्फहान में मुकीम हो गए। ऐसा लगता है जैसे वो एक तुर्क सल्तनत में काम करने से डरते थे। इस सफर से वो इन गरीब रियासतों से निजात हासिल कर पाए जो दुश्मनों से घिरी हुई थी। इन शहरों के दरबारों में फलसफियों की हौसला अफजाई के लिए वसाइल थे न इसकी ख्वाहिश। वो अबासी सल्तनत में आले बोया खानदान के जेर इंतजाम शहरों में पनाह लेने लगे जहाँ के दरबारों में फलसफियों की मुआवनत की जाती रही थी। हम इब्न सीना के बारे में इतना कुछ इसलिए जानते हैं कि उन्होंने अपनी स्वाने उमरी 1012 ईस्वी के आसपास लिखी थी और इसलिए भी क्योंकि इनके एक शागिर्द ने इनके बारे में एक किताब लिखी जिसमें 1012 के बाद इनकी मौत तक के बरसों से मुतल्लिक तमाम मालूमात मौजूद महफूज रही। अपनी स्वाने उम्री में इब्न सीना लिखते हैं कि उन्होंने खुद बगैर किसी उस्ताद के फलसफा समझा, लेकिन वो तस्लीम करते हैं कि अल-फाराबी की एक तहरीर ने उन्हें मेटाफिजिक्स समझाई जिसके बाद उन्होंने इसे तर्क करने का ख्याल छोड़ दिया। किताब में दोहराया गया कि उन्होंने आजादाना तौर पर अरस्तु के काम का मुताला किया यानी कि बगदाद में सीखने सिखाने की रवायत से आज़ाद होकर अपनी तहकीक खुद की। वो कहते हैं कि 18 साल की उम्र तक ही उन्होंने इस शोबे में जाने का फैसला कर लिया था। इनकी यही गैर जानबदारी उन्हें कई शख्सियात की फलसफियाना तहकीक और इनमें किए गए दावों का सही जायजा लेने के काबिल बनाती चाहे ये दावे उस वक्त के किसी बड़े फलसफी ने किए हों। इनकी स्वाने उम्री में वो अपना हवाला देते हैं कि कैसे इनके नजरियात ने जदीद फलसफियाना तहकीक को पुख्ता बनाया। यकीनन ये एक ऐसे शख्स की मिसाल है जिसने खुद से इलम हासिल किया, उन्होंने फलसफे की मौजूदा रवायात पढ़ी, इनका जायजा लिया, बाद को मुस्तर्द किया और कुछ को बेहतर बनाया। इब्न सीना ने अपनी स्वाने उम्री में यह सब क्यों लिखा? ये इसके लिए क्योंकि वो एक ऐसे माहौल से आए थे जहां फलसफे की तस्लीम शुदा रवायात मौजूद नहीं होती थी। वो अब ऐसी जगह मौजूद थे जहां हर किसी ने बगदाद में अपने बेहतरीन उसातज़ा से तालीम हासिल कर रखी थी। जैसे जैसे इब्न सीना मशरक की तरफ जाते रहे वैसे वैसे उन्हें बगदाद के तालीम याफ्ता लोग मिलते रहे। वो इनके सामने खुद को कमतर महसूस करते तो ये सोचते कि उन्हें कोई हक नहीं कि वो बगदाद से तालीम याफ्ता किसी शख्स की फलसफियाना तहकीक को रद्द करें। स्वाने उम्री लिखना और बगदाद के पढ़े लिखे फलसफों पर अपनी बर्तरी जाहिर करना दो अलग बातें हैं। इनके खिलाफ दलाइल जीतना खासा मुश्किल होता होगा, लेकिन इब्न सीना बज़ाहिर अपनी तमाम जंगें जीत चुके थे। हमारे पास एक खत मौजूद है, ये एक ऐसे वक्त में इब्न सीना ने लिखा कि जब वो इब्तदाई तौर पर आले बोया की हुक्मरानी में पनाह ले चुके थे। ये खत उन्होंने बगदाद के फलसफियों को लिखा और इसका पस मंजर ये था कि इसी मामले पर बगदाद के एक साबका शागिर्द से इब्न सीना की बहस हो गई थी। अपने खत में इब्न सीना कहते हैं कि बगदाद से तलीम याफ्ता अफराद को कायनात से मुतल्लिक ये बातें किसने सिखाई हैं और क्या ये वाकया इस बारे में इब्न सीना के सवालों का जवाब दे सकते हैं। हमारे पास इस खत का जवाब नहीं है, लेकिन ये मुमकिन है कि बगदाद के फलसफियों ने इब्न सीना का खत फेंक दिया होगा। वो फैसला कर चुके थे कि इब्न सीना को नज़रअंदाज करेंगे, लेकिन तारीख ने उन्हें गलत साबित किया। चंद बरस बाद इब्न सीना बगदाद के एक फलसफी की किताब खरीदना चाहते थे ताकि वो इनके नतायज का जायजा ले सकें और तनकीद कर सकें। उस वक्त तक वो मशहूर हो चुके थे और लोग इनसे डरते थे कहीं इब्न सीना इनकी किताब ना खरीद ले। ये कि ये फलसफी खुद अपनी तमाम किताबें खरीदने पर मजबूर हो गया ताकि इब्न सीना ये किताब पढ़कर इस पर तनकीद न कर सकें। इब्न सीना ने कई किताबें लिखी लेकिन उन्हें महफूज रखने में लापरवाही बरती। साल 1020 में यह एहसास हुआ कि इनकी एक इब्तदाई तहरीर की कोई कापी नहीं बचाई जा सकी। ये अरसु की तहकीक पर इनका तबसरा था तो इनके शागिर्दों ने उन्हें इसका मुतबादल लिखने की दरख्वास्त की। इब्न सीना ने मना कर दिया। उस वक्त वो सिर्फ अपने फलसफियाना ख्यालात पर किताब लिखना चाहते थे। ये इस्लामी तारीख में अदबी एतबार से एक अहम लम्हा था। इस्लामी तहजीब में कई मसरूफ़ शख्सियात का हवाला दिया जाता था
लेकिन ये वो लम्हा था कि जब सब तब्दील हो जाना था। इब्ने सीना के बाद की तहरीरों में अरस्तु का जिक्र तो होता, लेकिन महज हवाले के लिए और इनके फलसफे और दलायल को संजीदगी से ना लिया जाता। अब अरबी में फलसफे या मजहबी अदब में हवाले के लिए इब्ने सीना की तहरीर मरकज बन चुकी थी। वो ऐसे मुकाम पर पहुंच गए थे कि लोग या इनसे मुतफिक होते या इनसे इख्तलाफ रखते और इनकी बात में इजाफा करते। ये कहना गलत ना होगा कि वो फलसफे के माहिर बन चुके थे। इब्ने सीना की इतनी सारी किताबों पर क्या कहा जाए। तिब की तारीख में दिलचस्पी रखने वाले लोग इस वजह से हैरान हो जाएंगे, यहाँ तिब के शोबे में इनकी खिदमात का बहुत कम जिक्र किया गया है। इनकी एक किताब वो भी है जो 14वीं सदी से 1715 तक यूरोप के हर मेडिकल कॉलेज के निसाब में किसी न किसी शक्ल में शामिल होती थी। यहाँ इनकी दीगर साइंसी खिदमात का भी हवाला नहीं दिया गया। इसकी वजह यह है कि इन खिदमात की कदर फलसफियाना तहरीर की निस्बत कुछ भी नहीं। इनके अहम नजरियात में से एक रूह का तसव्वुर है। इस दलील का मुवाजना अक्सर फ्रांसीसी फलसफी रीने डिकार्टस के काम से किया जाता है। इसका मरकजी ख्याल ये है कि मैं सोचता हूँ इसलिए मेरा वजूद है। यहाँ ज्यादा गौर मेटाफिजिक्स में इनकी खिदमात पर किया गया है। इनमें किसी की खसूसियत और किसी के वजूद में फर्क के नजरियात हैं। इससे कबल भी फलसफियों ने इस मौजू पर बात की थी, लेकिन किसी ने इतने वसी पैमाने पर इसे अपनी मेटाफिजिक्स की बुनियाद नहीं बनाया था। इब्ने सीना के लिए किसी की खूबी और किसी के वजूद में फर्क सबसे अहम मौजू था। इनके मुताबिक कोई भी चीज अपनी खसूसियत पर पूरा उतरती है, जैसे एक इंसान, बिल्ली या दरख्त। इससे यह वाजिया हो सकता है कि ये चीज क्या है, लेकिन ये वाजिया नहीं कि आया इसका वजूद भी है। किसी चीज से मुतल्लिक अगर आप फैसला किए बगैर ये समझ जाएं कि ये क्या है, तो ये वही चीज है। इनका मतलब था कि हर चीज अपनी खसूसियत की बुनियाद पर पहचानी जाती है, लेकिन मुमकिन है कि ये चीज खुद अपना अलग वजूद भी रखती हो। यह फर्क कायम करने पर इब्ने सीना सवाल करते हैं कि फिर इस चीज को क्या समझा जाए, कि ये क्या है, यानी क्या इसकी खसूसियात इसे मानी देती हैं या इसका वजूद। इनके मुताबिक सिर्फ ऐसी चीजें अपना वजूद रखती हैं जिन्हें बयान किया जा सके। ये जुमला अपने अंदाज में अहम है। इब्ने सीना उन फलसफियों में से हैं जो मौजूदा हालात की बुनियाद पर किसी मामले का फैसला करते हैं। वो इल्लत आलूल यानी अंग्रेजी में काज एंड फैक्ट पर यकीन रखते थे। इनके मुताबिक चूंकि ये दुनिया खुदा की तरफ से जरूरत के तहत तख्लीक करता है, इसलिए अगर एक दूसरी दुनिया होती तो इसी दुनिया की हर चीज में मुशाहबत रखती होती। दुनिया में हर चीज किसी दूसरे चीज की बिना पर अपने अंदर एक जरूरत रखती है। वो हर चीज से मुतल्लिक इसकी खसूसियात और इसके वजूद की बुनियाद पर बात करते हैं। इनके मुताबिक अगर दुनिया बनने के पीछे कोई बड़ी वजह न होती तो इसका वजूद न होता। अगर ये साबित हो जाए कि दुनिया बनने के पीछे कोई वजह है, तो ये भी खसूसियात और वजूद के फलसफे के मुताबिक होगी। यानी कोई चीज क्या है, यही इसका वजूद है। ये बात इस तरह भी कही जा सकती है कि खुदा क्या है। इसका जवाब खुदा के वजूद में है। इब्ने सीना के बाद इनियात का इलम बदल कर रह गया, चाहे बात मशरक की हो या मगरिब की। जिस तरह यूरोप में इब्ने सीना का हवाला दिया जाने लगा, इसी तरह इनका काम मशरक में भी नुमाया रहा। जैसे खुदा के वजूद की ये दलील मदरसों में बताई जाती है, या जिस तरह आलम खुदा की खूबियों के बारे में बात करते हैं। आप ये समझ लें कि जब एक मसीह नौजवान गिरजाघर में और एक मुसलमान किसी मदरसे में दीनी इलम हासिल करने जाता है, तो वो उसी वक्त इब्ने सीना का मकरूज हो जाता है। नाजरीन, इसके साथ ही हम आपसे इजाजत चाहते हैं। हमारी मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के निशान को दबा दीजिए। शुक्रिया।